समूचे प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से वैक्सीन की पहली डोज में हिमाचल ने देश में पहला स्थान हासिल किया था। हिमाचल में ही सबसे कम वैक्सीनेशन की वेस्टेज भी रही है। अब वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगाने का अभियान चल रहा है। दूसरी डोज लगाने में भी हिमाचल देश में अव्वल रहे, इसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित 3 दिसंबर तक 18 आयु वर्ग से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें विभिन्न गांवों में जाकर टीकाकरण भी कर रही हैं। लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब विभिन्न संस्थाएं भी स्वास्थ्य विभाग की मदद कर रही हैं। हमीरपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि जिला हमीरपुर में 30 नवम्बर तक टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की बैठक में 3 दिसंबर तक टीकाकरण 100% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लेकिन हमीरपुर जिला 30 नवंबर तक ही लक्ष्य हासिल करने के लिए रूटीन वैक्सीनेशन के अलावा अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर दस्तक देंगी। उन्होंने बताया कि जिला में वर्तमान में 70 से ज्यादा टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। साथ ही जिला के सभी स्वास्थ्य खंडों में लगभग 100 मोबाइल टीमें फील्ड में उतारी जा रही हैं ताकि 100% लोगों को वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सके। हमीरपुर में जो था हमारा टारगेट, जो हमें 3,70,000 लोगों को जो थी वो जो एलिजिबल होने थे 30 नवंबर तक, वो हमारा टारगेट है। अब क्योंकि 3 दिसंबर तो गए, तो 3 दिन उसमें और जुड़ जाएंगे, लगभग 7-8 हज़ार लोग और है, जिसमें से के लगभग 3,25,000 लोगों को हमने वो टीकाकरण कर दिया है। और 43,000 के करीब, 43,000 के करीब जो हमारी बाकी लोग बेनिफिशरी बचे हैं सेकेंड डोज की, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो अब तो 3 दिन और हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सभी 100% जो हिमाचल सरकार का टारगेट है उसको पूरा किया जाए, और सभी लोगों को जिनको पहला टीका हो चुका है उनको दूसरा टीका कर हम 3 दिसंबर तक पूरा करें। हमने अलग अलग इसके लिए कदम भी उठाए हैं। हमने वैक्सीनेशन सेंटर का नंबर भी बढ़ाया है, जो कि पहले 40-50 था, 70 के ऊपर कर रहे हैं CVCs। और इसके साथ साथ हमने मोबाइल टीमें बनाई हैं, और हमारा टारगेट है कि लगभग हम 100 मोबाइल टीमें प्रतिदिन बनाएंगे। और वो लोग जो टीमें हमारी घर घर जाके जो है, वो जो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं आ रहे हैं, वहाँ जाके उनको घर पे ही उनका टीकाकरण करें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने बताया कि विभाग ने प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद सभी कार्यालय प्रमुखों को पत्र भेज कर ये सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके अधीन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके परिजनों को कोरोना रोधी वैक्सीन की दोनों डोजें लग चुकी हैं या नहीं, इसकी जानकारी वे साझा करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी, कर्मचारी या उसके परिजन को दूसरी डोज नहीं लगी है तो उसे वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करें, और ऐसे लोगों को सूची खंड चिकित्सा अधिकारी और SDM के साथ साझा करें। अलग अलग हमने सभी डिपार्टमेंट्स को मीटिंग भी की थी, और माननीय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से उनके निर्देश भी हुए थे, कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कि सभी विभागों का सहयोग लिया जाए। तो उसमें हमने डिप्टी कमिश्नर जो हमीरपुर, से मैंने बात की थी, और कि हम सभी डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखते हैं, और उसी लिए मैंने एक सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट को कल ही लेटर इशू कर दिया था कि अपने अपने विभाग में वो सुनिश्चित करें कि वहाँ पे सभी लोगों का जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका टीकाकरण हो चुका है, और साथ ही क्योंकि उनकी फैमिलीज में, तो वो भी इंश्योर करें कि उनकी फैमिली जो है वो उनका टीकाकरण भी हो चुका है, ताकि हमारा 100% टीकाकरण जो है वो पूरा हो सके।